हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट इल्यूमिनेटिंग आई शेडो पैलेट का। एंड इसकी प्राइस 995 रुपीज़ है, थोड़ा सा महंगा है, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और साथ ही इसकी प्रोडक्ट क्वान्टिटी 7.5 ग्राम है, इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स है और ये फ्रेगनेंस फ्री है। तो ऑब्वियसली इसमें आप 4 से 5 साल आप इजीली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसका जो शेड मैंने परचेज़ किया है वो परचेज़ किया है न्यूड बीच। और आप इस तरह से इसे यहाँ पर इसकी पैकेजिंग आती है और इस तरह से आप इसे ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से थर्माकोल का पेपर आता है जिसमें आई शेडो पैलेट रखी होती है और ये ऑथेंटिकेशन मार्क है जो आप इसे चेक कर सकते हैं। साथ ही सबसे पहले अब हम बात करते हैं इसकी पैलेट की। तो दिस इज़ द पैलेट यू कैन सी, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसकी सम डिटेलिंग्स यहाँ पर लिखी हुई है। ट्रैवल फ्रेंडली है, छोटा है, आप इसे छोटा है तो वैनिटी में इजीली इधर से उधर आना जाना अगर आपका होता है तो आप बिल्कुल ले जा सकते हैं। और साथ ही अगर आप समर्स में वेकेशन में कहीं जाते हैं, किसी मैरिज फंक्शन में जाते हैं, तब भी ये ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी काम आ जाएगा। सो अब मैं इसे ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। और दिस इज़ द आई शेडो पैलेट, और यहाँ पर इस तरह से एक पेपर आता है जो इसके ऊपर लगा हुआ आता है। एंड साथ ही इसमें एक आई शेडो एप्लीकेटर आता है, यू कैन सी। जैसा कि छोटा आई शेडो एप्लीकेटर 9 to 5 रेंज में एक आई शेडो पैलेट आता है, इसका रिव्यू भी मैंने किया है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें भी इस तरह का छोटा आई शेडो एप्लीकेटर आता है, मैंने इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैं अपना खुद का आई शेडो जो आई शेडो अप्लाई करने के ब्रशेज हैं वो इस्तेमाल करती हूँ। तो दिस द आई शेडो, और यहाँ पर इस तरह से एक गोल्डन कलर है ड्रामेटिक लुक के लिए। आपके पास यहाँ पर एक न्यूड पर्पल कलर है, बहुत ही लाइट सा। और यहाँ पर ये जो शेड है 1, 2, 3 and 4, ये बेसिकली आपको एवरीडे पर्पज़ से काम आते हैं बिकॉज ये शेड सबसे लाइटर शेड है, तो आप डे मेकअप में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दो शेड जो हैं वो थोड़ा सा आपको नाइट पार्टी और उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये आप किसी भी लुक को अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इनके स्वेचेज आपको दिखा देती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको इधर से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट मैं आपको ये वाली लाइन स्टार्ट करूँगी, सबसे पहले ये वाली लाइन एंड देन फिर लास्ट में यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है एक पर्पल शेड, तो दिस इज़ द आई शेडो, फर्स्ट आई शेडो। और सेकंड जो है वो थोड़ा सा चॉकलेट ब्राउन की तरफ जाता है जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है इन दिस पैलेट, आप देख सकते हैं। दिस इज़ द सेकेंड शेड। एंड थर्ड शेड इज़ ऑल्सो माई फेवरेट बिकॉज मैं अक्सर इसे बेस के लिए काम में लेती हूँ, और इसमें थोड़े से स्पार्कल्स भी हैं तो ये एज सच उतना आई शेडो को अच्छे से हाईलाइट करता है, आप देख सकते हैं। एंड एंड थर्ड इज़ इन पिंक शेड, आप देख सकते हैं। पिंक शेड जो है वो काफ़ी बेस बनाने में आपको काम आएगा, आपको इसे बहुत आईज़ को हाईलाइट करना है देन काम आएगा, आप देख सकते हैं। एंड एक जो ये जो शेड है वो सबसे लाइटर शेड है इस पैलेट का, सो ओवरऑल बहुत अच्छा है। वो बिल्कुल लाइट शेड है तो आप इसे एज अ बेस इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट शेड है ये। लाइट की रोशनी में ऐसे उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा पर बहुत लाइट शेड है और बहुत ही अच्छा शेड है। एंड सबसे आखिरी शेड जो है वो है गोल्डन टच में, जी हाँ। एंड ये आपको बेसिकली आप इसे ड्रामेटिक लुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा और गोल्डन स्पार्कल कलर है। आप इससे अपनी हाईलाइट्स, अपनी आईब्रोज को हाईलाइट कर सकते हैं, अपनी आईज़ को डिफाइन कर सकते हैं। और दिस आर 6 शेड और ऑफ दिस पैलेट, सो ओवरऑल मैं इसे आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। इसमें आप सबसे पहले अगर परचेज करना चाहें ना तो फ्रेंच रोज शेड ज़रूर परचेज करें, वो भी बहुत अच्छा है फॉर एवरीडे पर्पज़। और इसमें ना जो सिर्फ जो तीन दो ही शेड हैं जिसमें स्पार्कल्स हैं, एक गोल्डन, एक सॉरी दिस वन, और अदरवाइज सारे जो हैं वो न्यूड मैट लुक देते हैं, मैट टच देते हैं। तो ओवरऑल दिस इज़ वेरी नाइस पैलेट और आप देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता देती हूँ मैंने इस वक्त आईज पर भी यही शेडो अप्लाई किया है। तो ओवरऑल दिस इज माई रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब हम मिलते हैं माई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।